बिहार सरकार एग्जाम इतना लोकल सिटी में दे दिया है, व्यवस्था कुछ नहीं किया है। तो गाइज अपना ट्रेन फाइनली आ गया, देखिए भीड़ हालत खराब हो गया, 5 मिनट स्टाफ है तो लेट आया इतना ज्यादा। तो हेलो गाइज, तो कैसे हो आप सबका वेलकम है नई ब्लॉग में। तो गाइज आज 12-13 दिन बाद हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी मैं खड़ा हूँ मऊ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि आज की जर्नी होने वाली है मऊ से हमारी मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए। और अभी टाइम हो रहा है आपका 9:15 और रात को 10:40 हमारी ट्रेन है जो गोंडा से चल के आसनसोल तक जाती है, उसी के साथ आज जर्नी होने वाला है स्लीपर क्लास में। तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होगा, जर्नी एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे वीडियो में। और काफ़ी टाइम है वेट करना है ट्रेन का और फर्स्ट टाइम ये ब्लॉगिंग हम बिहार में कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब बिहार पहले गए थे तो ब्लॉगिंग नहीं किए थे। और सॉरी, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो चैनल पे गाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, उसके वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। अब कंटिन्यू ब्लॉग चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो भी लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गाइज यहाँ इस लेटर से नीचे चलते हैं हम लोग, और टाइम अभी कैसे भी मैनेज करना है क्योंकि 10:40 टाइम है, अभी 1.5 घंटा टाइम है। बाहर चलते हैं यहाँ से। और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला कमेंट से, तो उनके लिए थैंक यू सो मच जो इतना लोग वेट करते हैं ब्लॉग का। और हम लोग आ गए हैं बाहर। तो भाई बाहर से देख सकते हैं नज़ारा मऊ रेलवे स्टेशन का, और आज ज़्यादा ही भीड़ रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम है बिहार टीचर का, तो सारे लोग जो है बिहार ही जाएंगे, तो जो ट्रेन बिहार जाएगा काफ़ी हो सके तो भीड़ होगा। अभी आपको सिनेमेटिक दिखाएंगे बाहर से। और बस स्टेशन पर आज लड़के लड़कियाँ ही दिख रहे हैं क्योंकि बिहार टीचर का एग्ज़ाम है 24 और 25 को। चलते हैं गाइज अंदर, क्योंकि हम लोग की ट्रेन आएगी प्लेटफार्म नंबर 3 पे, और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी तो लोग आएंगे ही, अभी टाइम कितना ज़्यादा है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सोए हैं। 1 नंबर प्लेटफार्म से अंदर चल के चलेंगे हम 3 नंबर प्लेटफार्म पे। ये रहा कुछ 1 नंबर प्लेटफार्म का नज़ारा। मऊ रेलवे स्टेशन का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस बहुत बुरा हाल है, ट्रेन इतना ज़्यादा लेट हो गया, देखिए 10:44 यानी 10:40 पे टाइम था और दिखा रहा है आपको 1 बजे। पूरा हालत ख़राब हो गया, क्या ही बता रहे। तो गाइस टाइम हो गया 12:16 और ट्रेन आने का टाइम दिखा रहा है 12:17 और देखिए कितना ज़्यादा लोग भीड़ लग गया। 3 नंबर प्लेटफार्म पर ट्रेन आएगी अपनी, अभी तक एकदम खाली था, अब पूरा भर चुका है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको चारों साइड। गाइज अपना ट्रेन फाइनली आ गया, देखिए भीड़ हालत खराब हो गया, 5 मिनट स्टाफ है तो लेट आया इतना ज़्यादा, देखिए ये है कोच, छोड़ो 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 हालत खराब हालत। तो गाइस जा गए हैं ट्रेन में और यहाँ पे है 40 नंबर सीट अपना, भीड़ ज़्यादा ही पूरा चारों भीड़ पे। तो भाई 6:30 पे फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, और ये देखिए कुछ स्टेशन का नज़ारा। अब बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, तो चलते हैं गाइस यहाँ से बाहर और चाय वाय पी लेते हैं, और यहाँ से भी फिर से ट्रेन चेंज करके जाना है चकियाँ, वो ट्रेन है 7 बजे, अभी 6:30 हो रहा है। जाते
अरे यहाँ ब्लॉगिंग करने में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है क्योंकि कौन फोन मार देगा यहाँ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 2016 में आए थे तो हमारे सामने जस्ट ऐसा ही हुआ था, इसलिए थोड़ा सा रिस्क है। चलते हैं पहले चाय की दुकान पे, चाय पीते हैं। तो गाइस बाहर से कुछ नज़ारा ऐसा है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का। चलते हैं पहले दुकान देखते हैं चाय का। चलते हैं गाइस एक और यहाँ से ट्रेन पकड़ के चकिया जाना है, उसका टाइम है आपका 6:50 पे। अनाउंस हो चुका है कि 2 नंबर पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी ब्लॉग में वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लॉग लंबा होगा पर कोई बात नहीं। देखिए गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो गाइस आ गए हैं फाइनली 7:58 पे चकिया रेलवे स्टेशन पे। और मौसम देखिए पूरा बादल लगा हुआ है, चलते हैं यहाँ से बाहर क्योंकि यहीं पे एग्जाम सेंटर है, पता नहीं कितना लोकल में दे दिया है। देखिए सारे लोग उतर रहे हैं अपना, तो गाइस स्टेशन से बाहर आ गए हैं पर यहाँ पे इतना लोकल में सेंटर दे दिया कि पता नहीं कुछ स्टे करने का मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे होटल कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस यही सारा दुकान दिख रहा है यहाँ पे बस छोटा बहुत। और यहाँ पे स्टेशन है, पता करते हैं कहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे आए थे रूम देखने के लिए, बोले सारा होटल फुल हो गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चकिया में जितना भी होटल है सारा फुल हो चुका है, देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइज होटल खोजते खोजते आपका 9:30 टाइम हो गया और कहीं पे भी नहीं मिला, 2-3 होटल खाली देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी गए वो भी सारा बुक हो गया है, मतलब 2-4-5 जगह गए हैं सारा बुक। अब क्या ही बताएं, बिहार सरकार एग्जाम इतना लोकल सी में दे दिया है, व्यवस्था कुछ नहीं किया है, सिस्टर को लेके आए हैं पूरा प्रॉब्लम ही हो रहा है। देखिए उसी में बारिश हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बाकी इस वीडियो को करेंगे एंड, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है होटल के लिए, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। करते हैं गाइस इस वीडियो को एंड, वीडियो देखना, थैंक यू सो मच।